जीवन में कोई भी लक्ष्य निर्धारित करने से पहले अक्सर हम आसपास के लोगों को देखते हैं, दूसरों को देखकर उनके जीवन की तुलना अपने जीवन से करना आदत सी बन जाती है। क्यों होता है ऐसा? इस समाज में आप किस तरह पलकर बड़े हुए, माता पिता, शिक्षक, बंधु मित्र, इन सभी ने आपकी भलाई करने की नीयत से क्या किया था? वे लोग आसपास के किसी व्यक्ति से तुलना करते हुए आपकी क्षमता को हमेशा कम ही आंका करते थे। क्यों? उन्होंने यही सोचा होगा कि यदि आप खुद अपने को किसी और से कमतर महसूस करेंगे, तभी आपको अंदर वह प्रेरक शक्ति पैदा होगी जो आपको कामयाबी की ओर भगाए ले चलेगी। आपकी योग्यताओं और क्षमताओं को उजागर करने के लिए वे इससे अलग कोई मार्ग नहीं जानते थे। एक समय के बाद उन लोगों ने यो तुलना करना छोड़ दिया, लेकिन दूसरों से तुलना करते हुए स्वयं अपने को खदेड़ते रहने की आदत से आपको निजात नहीं मिली। इस कारण आप उसी में फंस गए हैं। एक बार शंकरन पिल्ले अपनी पत्नी से बुरी तरह लड़ पड़े और आखिर गुस्से में घर से निकल गए। 3 दिन तक इधर उधर भटकते रहे। 4th दिन सुबह एक होटल में घुस गए और बैरा को बुलाया। पिल्ले ने उसे ऑर्डर दिया, पत्थर जैसी कड़ी ठंडी इडली, स्वादहीन फीका सांबर, पानीदार दूध में कल वाला डिकॉक्शन मिलाकर ठंडी कॉफी ले आओ। बैरा चकित रह गया, ये भी कोई ऑर्डर है? शंकरन पिल्ले ने सफाई दी, दोस्त मैं भूख मिटाने के लिए यहां नहीं आया हूं, मुझे घर की याद आ गई इसलिए। इसी तरह आप भी पुरानी आदतों को आसानी से छोड़ने में असमर्थ होकर परेशान रहते हैं। दूसरे किसी व्यक्ति को श्रेष्ठ समझकर आप उसी को अपना लक्ष्य बना लेते हैं, फिर स्वयं को चुनौती देते हैं, उसके बाद लक्ष्य को पाने के लिए रात दिन एक कर देते हैं। अपने आदर्श पुरुष से भी ऊंचा पद पाने के लिए संघर्ष करते करते मंजिल तक पहुंच भी जाते हैं, तब तक दूसरा कोई उससे भी आगे की मंजिल में आपकी खिल्ली उड़ाता सा खड़ा मिलता है। तब आप अगला चाबुक हाथ में ले लेते हैं। पता है यह कैसा है? एक इलास्टिक पट्टी को दोनों ओर से खींचकर पकड़ेंगे तो तनाव में आकर उसके दोनों सिरे एक दूसरे से मिलने के लिए तड़पेंगे। हाथ हटाते ही इलास्टिक पट्टी के दोनों सिरे आपस में टकराएंगे, फिर दोनों सिरे निष्क्रिय होकर पड़े रहेंगे। फिर से उन्हें खींचो, तभी सक्रियता आएगी। इस तरह बाहरी शक्ति से प्रेरित होकर आप लक्ष्य स्थान पर पहुंच भी जाए तब भी आगे का गंतव्य जाने बिना वहीं पर निश्चेष्ट खड़े रहेंगे। आगे के लक्ष्य को दिखाकर कोई आपको उकसाए तभी आप फिर से सक्रिय होंगे। खींच खींच कर काम में लगाया गया इलास्टिक आखिर कितने दिन तक टिक पाएगा? एक मुकाम पर आकर वह एकदम ढीला हो जाता है और अपने स्वभाव को खो देता है। उसके बाद हल्के से खींचते ही जट से फट जाता है। जो लोग संकल्प के दृढ़ नहीं होते, तनाव बेतहाशा बढ़ने की वजह से लक्ष्य पर पहुंचने के बजाय अस्पताल के बिस्तर में जा गिरते हैं। जीवन भर आप क्यों दूसरों द्वारा संचालित होना चाहते हैं? अगर आप पहाड़ पर चढ़ना चाहते हैं तो अपने अंदर पर्वतारोहण की कला सीखने की इच्छा पालिए और अपने पैरों में खूब शक्ति संचित कीजिए। ऐसा करना छोड़कर दूसरों को मिसाल बनाते हुए मन को खदेड़ना मात्र काफी होगा? क्या वह आपको पहाड़ के ऊपर ले जाकर खड़ा करेंगे? आप कब बेहतर ढंग से काम करते हैं? क्या उस वक्त जब दूसरों से अपनी तुलना कर रहे होते हैं, या तब जबकि आप
सचेतन बैठकर कोई योजना बना रहे होते हैं। शांतिपूर्वक या सचेतन काम करना आपकी इच्छा के सामने खड़ा किया जाने वाला गतिरोध नहीं है, आपके विकास के खिलाफ डाला गया प्रतिरोध भी नहीं है। ये ऐसी ताकत है जो आपको मुक्त करके मनचाही दिशा में स्वतंत्र रूप से काम करने की इजाजत देती है। इस बात को कतई भूले नहीं कि आनंद में रहना ही आपकी मूलभूत प्रकृति है। किसी से उकसाने पर भी विचलित हुए बिना शांति से रहिए। जिस काम को आपने चुन लिया है, निष्ठा और जागरूकता के साथ उसमें लगे रहिए। तभी आप पहचान पाएंगे उस आंतरिक शक्ति को जो आपको विकास की ओर, उन्नति की ओर ले जाने की ताकत रखती है। केवल वही आंतरिक शक्ति आपकी प्रेरक शक्ति बने। मुमकिन है आप उस चोटी तक पहुंच न पाए जिसे पहले ही कोई और जीत चुका है, लेकिन आपके अंदर जितनी क्षमता है उसके मुताबिक ऊंचाई तक तो अवश्य पहुंच जाएंगे। यही आपको वास्तविक आनंद की तरह ले जाएगा। धन्यवाद।